गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में अपन ने आइकन्स के बारे में पढ़ा है जो शॉर्टकट की के रूप में काम करते हैं। इसके बाद मैंने नीचे डेस्कटॉप पे एक हॉरिजेंटल बार होती है और उस बार को अपन कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में सिस्टम ट्रे होती है जो मैंने कल आपको डिफाइन करके बता दिया। टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है स्टार्ट बटन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बटन है। अभी जो नए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनमें ऐसी सुविधा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन चलें तो विंडो XP, विंडो 98, उन सब में स्टार्ट बटन का यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भी राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टार्ट बटन, तो अपने को ये बताना है कि डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की ओर एक हॉरिजेंटल बार होती है जिसको टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को, एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के काम में आता है। जैसे ही अपन स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं माउस के द्वारा, तो एक टॉप डाउन मेन्यू, एक लिस्ट आपके सामने आती है। उस लिस्ट के अंदर मेनली ये 6 ऑप्शन होते हैं। सबसे नीचे जो ऑप्शन होता है उसका नाम है शट डाउन। देखिए, आप लोगों को ज्यादातर पता होगा, लेकिन पता नहीं है तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्टली स्विच से ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आप लगातार स्विच से ऑफ कर रहे हो तो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें हैं वो करप्ट हो सकती है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप चलाओगे तो फिर स्कैन डिस्क प्रोग्राम चलने के बाद ही सिस्टम बूट हो पाएगा। तो जब भी कंप्यूटर को बंद करना हो और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के कोई भी वर्जन हो, तो आपको उसको प्रॉपरली शट डाउन करना है। शट डाउन ऑप्शन स्टार्ट बटन में सबसे नीचे मिलेगा। जैसे ही अपन शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा मेन्यू आएगा और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा स्टैंड बाई, दूसरा होगा रीस्टार्ट, और तीसरा होगा टर्न ऑफ। जैसे ही आप शट डाउन पे क्लिक करोगे जो मेन्यू आ रहा है उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर को कम्प्लीटली बंद करना है तो आप नीचे ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑफ, उस पर क्लिक करोगे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर को बंद करके वापस स्टार्ट करना है तो इसमें ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब पहले कंप्यूटर ऑफ होगा और उसके बाद अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन का ज़्यादातर यूज तब करते हैं जब अपना कंप्यूटर हैंग हो जाए। कंप्यूटर हैंग होना जानते हो आप लोग क्या होता है? कंप्यूटर हैंग होने का अर्थ है कि आपका न तो कीबोर्ड काम कर रहा है न माउस काम कर रहा है, और कंप्यूटर पे जहाँ आप काम कर रहे हो वो स्क्रीन दिखाई दे रही है और कोई भी ऑप्शन कीबोर्ड और माउस का काम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं कंप्यूटर हैंग होना, और उसका एकमात्र जो इलाज है वो ये है कि आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो रीस्टार्ट ऑप्शन है इससे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। और रीस्टार्ट करने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर पूर्णतः ऑफ होगा, उसके बाद अपने आप ही ऑन हो जाएगा। ऊपर एक ऑप्शन मिलता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाई ऑप्शन का यूज तब करते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने 4-5 फाइलें ओपन कर रखी है और मेरे को कहीं बाहर जाना है आधे घंटे के लिए और आके फिर वापस काम करना है। तो एक तो ये है कि मैं सभी फाइलों को बंद करके सिस्टम को पूर्णतः बंद करके जाऊँ, या मेरा सिस्टम सेफ जगह है और कोई उसको टच नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, उसको स्टैंड बाई मोड पर डाल दूँगा। स्टैंड बाई मोड पे डालने से क्या होगा कि जितनी भी फाइलें ओपन है वो ओपन ही रहेगी, जहाँ मैं काम कर रहा था वो काम वैसे का वैसा ही मिलेगा, और वापस आके
कीबोर्ड या माउस में से किसी को भी टच करेंगे तो जो स्क्रीन अपन छोड़ के गए थे वैसी की वैसी स्क्रीन आ जाएगी। और स्टैंड बाई मोड में जाने से दूर अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको ये लगेगा कि कंप्यूटर बंद है, जबकि कंप्यूटर ऑन ही रहेगा, केवल स्क्रीन पर क्या है वो दिखाई नहीं देगा, ऑफ की तरह दिखाई देगा। तो स्टार्ट बटन का जो पहला ऑप्शन है शट डाउन, उसमें आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं। नंबर वन है टर्न ऑफ, जिससे आप कंप्यूटर को पूर्णतः बंद कर सकते हो। नंबर टू है रीस्टार्ट, जिससे आप कंप्यूटर को बंद करके पुनः स्टार्ट कर सकते हो। और नंबर थ्री है स्टैंड बाई, कि आप काम कर रहे हो और आके वहीं काम करना है, कुछ समय के लिए कंप्यूटर को ऑफ दिखाना है तो स्टैंड बाई ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो कंप्यूटर ऑफ दिखेगा, लेकिन आके जैसे कीबोर्ड या माउस में से किसी को भी टच करोगे आप जहाँ काम कर रहे थे वही चीज आपको वापस दिखेगी। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना कि कंप्यूटर को जब भी बंद करना हो तो शट डाउन में जाके प्रॉपरली टर्न ऑफ करना है, उससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें भी सेफ रहेगी और आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो भी बनी रहेगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वो है फाइंड, पहला था शट डाउन, दूसरा है फाइंड। फाइंड ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी डायरेक्टरी या फाइल को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी से ये पूछते हो कि भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर है क्या, या आपके कंप्यूटर में ये चीज़ है क्या, ये फाइल है क्या, ये डायरेक्टरी है क्या, तो कंप्यूटर लिटरेट आदमी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप फाइंड पे क्लिक करेंगे और जिस डायरेक्टरी या जिस फाइल का नाम लिखेंगे वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। तो फाइंड ऑप्शन है वो किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी सब डायरेक्टरी, किसी भी फाइल को फाइंड आउट करने का काम करता है। अब आप लोगों को एक विशेष चीज़ ये बतानी है कि फाइल का नाम है वो दो भागों में होता है। जैसे मैंने लिखा मोहता .edu, तो ये जो पहले मैंने नाम लिखा है ये प्राइमरी नेम है और लास्ट में जो ये edu लिखा है ये एक्सटेंशन नेम है। प्राइमरी नेम यूजर अपने वर्क के अनुसार कुछ भी दे सकता है और ये जो एक्सटेंशन नेम होता है ये फाइल की पहचान करने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना है कि कंप्यूटर में MS Word में बनी हुई कौन कौन सी फाइलें हैं, या कभी आपने MS Word में बनाई थी अब उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। तो फाइल का नाम अगर आपको पता नहीं है तो जहां नाम पता नहीं हो वहां स्टार लगा देंगे और डॉट लगा के DOC, क्योंकि MS Word में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम DOC होता है, जिसका अर्थ है डॉक्यूमेंट, और उसमें अपन विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। अगर आपको मूवी देखनी है कि भी इस कंप्यूटर में मूवी है या नहीं है तो आप लिख सकते हो *MOV, तो मूवी से रिलेटेड जितनी फाइलें होंगी वो सारी की सारी एक साथ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है पारिक जी, पारिक सर, सभी एक साथ आ जाएंगे। और ये जो प्राइमरी नेम है ये अगर पता है आपको कि भी मेरे को ये पता है कि मोहता नाम से फाइल बनी है लेकिन कहाँ बनी है ये पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा मोहता *star, जिसके बारे में पता नहीं हो वहां आप स्टार लगा दो और जिसके बारे में पता हो वो नाम लिख दो। तो ये जो प्राइमरी नेम है ये अकॉर्डिंग टू वर्क दिया जाता है कि किस तरह की फाइल है। जैसे मैंने लिखा मोहता .edu,
तो कोई भी कंप्यूटर लिटरेट व्यक्ति है वो ये समझ जाएगा कि मोटा नाम की जो फाइल बनी है वो एजुकेशन से संबंधित है, या मोटा डॉट डीओसी, तो उसको पता लग जाएगा कि ये फाइल है वो एमएस वर्ड में बनी हुई है। तो जो एक्सटेंशन नेम होता है ये फाइल की पहचान करने के काम में आता है, और जो प्राइमरी नेम है वो फाइल के वर्ग के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि प्राइमरी नेम हमेशा एक करेक्टर का ही दिया जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप 8 से ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन जब ये नाम डिस्प्ले करेगा तो पहले वाले 8 ही करेगा, इसके बाद आपको डॉटेड लगे हुए मिलेंगे। और एक्सटेंशन नेम इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये हमेशा 3 करेक्टर का ही होता है। आप जहाँ भी एक्सटेंशन नेम देखोगे ये 3 करेक्टर का ही होता है। और एक्सटेंशन नेम का यूज क्या है, फाइल की पहचान करने के लिए। फारिक जी, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है फाइंड, इस फाइंड ऑप्शन से अपन कंप्यूटर में पहले से सेव कोई भी डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी है, फाइल है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। तो ये फाइंड ऑप्शन अपने जो सेव डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फाइल को या तो नाम के अनुसार या एक्सटेंशन नेम के अनुसार अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाम मैंने बता दिया कि फाइल का नाम 2 भागों में होता है, प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम फाइल की पहचान करने के काम में आता है। अब तीसरा ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑप्शन में आपने कंप्यूटर ऑन किया है, ऑन करने के बाद आपने 2-3 फाइलों में काम किया है, और 3 फाइलों में काम करने के बाद आपको ये लगेगा कि मेरे को पहले वाली फाइल में काम करना है, तो आप डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे। डॉक्यूमेंट में क्लिक करते ही कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो जो फाइलें खुली है उन सब की लिस्ट आपको वहाँ मिलेगी, और केवल लिस्ट ही नहीं मिलेगी, उन फाइलों को आप वहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, और उसमें कोई चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज करते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था, कंप्यूटर ऑन पड़ा है और आपको देखना है कि सर ने किन किन फाइलों में काम किया है, तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद जिन जिन फाइलों में काम हुआ है, जिन डायरेक्टरी में काम हुआ है, वो सारी आपको किसमें मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट में। कई दफ़े क्या है कि अपने को ध्यान नहीं रहता, अपन काम करते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद आपको लगा कि वो कहाँ सेव हुई, तो वो आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है वो डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछे कि भाई डॉक्यूमेंट ऑप्शन स्टार्ट बटन, तो अपने को ये लिखना है कि भी ये स्टार्ट बटन में मिलता है, और इस ऑप्शन की सहायता से कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो भी रिसेंटली फाइलें ओपन हुई है उन सब की लिस्ट यहाँ मिलती है। और यहाँ केवल लिस्ट ही नहीं मिलती, उन फाइलों में अगर आपको वापस कोई काम करना है तो यहीं से आप उसमें वापस से कार्य भी कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन था अपना शटडाउन, उसके 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। दूसरा ऑप्शन था फाइंड, जो कंप्यूटर में सेव कोई भी डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइलों को देखना है तो आप फाइंड ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, कि आपने कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो भी फाइल ओपन की है उन सब की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, डॉक्यूमेंट के अंदर। और केवल वहाँ लिस्ट ही नहीं मिलेगी,
वहां से आप उसको एग्जीक्यूट करके ओपन करके उसमें किसी भी प्रकार का कार्य है वो कर सकते हो। अगला ऑप्शन है हेल्प, नंबर 4 है हेल्प। देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कार्य करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है। ये जो हेल्प ऑप्शन है इससे आप अगर आपका कोई वर्क नहीं हो रहा है तो उसकी हेल्प ले सकते हो, और कोई हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं कर रही है तो उसकी हेल्प ले सकते हो, हेल्प से वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ये जो ऑप्शन है ये आपको दो तरह की हेल्प प्रोवाइड करता है, नंबर 1 ऑफलाइन और नंबर 2 ऑनलाइन। ऑनलाइन हेल्प के लिए आपके इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑथोराइज्ड वेबसाइट है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, आपकी जो भी समस्या है उसका निदान आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा इसमें होता है ऑफलाइन हेल्प। ऑफलाइन के अंदर हेल्प में आप जब क्लिक करोगे तो करीब 15 से 20 पॉइंट आएंगे और वो सारे पॉइंट कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, उसमें आपकी जो समस्या है उससे रिलेटेड आपको पॉइंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो उस समस्या से रिलेटेड जितने पॉइंट है वो सारे मिल जाएंगे, फिर आपको उस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से 2-3 दफ़े क्लिक करने के बाद आपको पूरा जो सॉल्यूशन है, पूरा जो आपकी प्रॉब्लम का निदान है वो पेज में लिखा हुआ मिलेगा, उसको पढ़ के उसमें जो स्टेप दिए हैं उसके अनुसार आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो ये जो हेल्प ऑप्शन है ये स्टार्ट बटन में मिलता है और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, इसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे के सारे ऑप्शन आप जैसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हो तो ये सारे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अपने आप ही आते हैं। और हेल्प है ये मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार से है, एक तो ऑफलाइन और दूसरी ऑनलाइन। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन हेल्प का ही यूज़ करते हैं, इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है, ज़्यादातर इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं। फिर भी अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगर आपको पता करना है कि भाई ये ऑप्शन क्या काम में आ रहा है, ये ऑप्शन क्या काम में आ रहा है, तो आप हेल्प में जाके उस ऑप्शन के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो, डिटेल नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो स्टार्ट बटन के अपन ने आज 4 ऑप्शन किए हैं। सबसे पहला है शटडाउन। शटडाउन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक मेन्यू आएगा, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा टर्न ऑफ, कंप्यूटर को पूर्णतः बंद करना। दूसरा रीस्टार्ट, बंद करके वापस ओपन करना। तीसरा स्टैंड बाय, कि जिस कंडीशन में कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो उसी कंडीशन में छोड़ के चले जाओ और वापस आके वहीं से अपना कार्य स्टार्ट कर दो, इस ऑप्शन को बोलते हैं स्टैंड बाय। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया फाइंड। फाइंड के द्वारा आप कंप्यूटर में पहले से स्टोर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जो भी फाइलें हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड आउट करने के लिए या तो आपके पास नाम होना चाहिए या एक्सटेंशन नेम होना चाहिए, दोनों की सहायता से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास नाम भी नहीं है, एक्सटेंशन नेम नहीं है, और तो आप लिख सकते हो *.* ये लिखने से कंप्यूटर में जितने भी फाइलें हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी, चाहे वो कहीं भी बनी हुई हो तो वहाँ से आप अपनी फाइल को देख सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर ऑन होने के बाद या रिसेंटली जो भी फाइलें आपने ओपन की है उन सब की लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, डॉक्यूमेंट में। और उसके बाद लास्ट मैंने आपको चौथा बताया हेल्प।
हेल्प के द्वारा आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो प्रकार की हेल्प का उपयोग कर सकते हो और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रोग्राम और सेटिंग, ये दोनों ही काफ़ी यूजफुल और अच्छे ऑप्शन हैं। ये वीडियो डाउनलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम 15 से 20 मिनट का ही वीडियो डाल रहे हैं। कल आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और कल अपन स्टार्ट बटन कंप्लीट भी कर देंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई स्टार्ट बटन होता कहाँ है, तो स्टार्ट बटन कहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप पे सबसे नीचे ही नीचे एक हॉरिजेंटल या क्षैतिज बार होती है जिसको टास्क बार कहते हैं, उसकी लेफ्ट साइड में ये स्टार्ट बटन है मिलता है। और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर एक मेन्यू आता है और उस मेन्यू में ये सारे ऑप्शन अपने को मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।